हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जाएंगे तहजीब के रेस्टोरेंट चिलमन पे, और यहाँ पर हम करेंगे हाई टी कम लंच। बफे होगा ये, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, और यहाँ पर हम आपको इनके शेफ से भी मिलवाएंगे, तो पूरे व्लॉग पर बने रहिएगा। और आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ इनकी रेट डिटेल्स भी शेयर करूँगी। इस रेस्टोरेंट पे हम एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आए हैं, और जब हमने कॉल की इन्हें तो इनके पास बुकिंग अवेलेबल नहीं थी। दूसरी दफ़ा ट्राई करने पर भी बुकिंग नहीं मिली, और अब तो भाई हम बहुत क्यूरियस हो गए कि आखिर ऐसा है क्या यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जगह ही नहीं मिल रही। तो चलिए आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए। G9 में चिलमन रेस्टोरेंट लोकेटेड है, और चूंकि ये तहजीब वालों का ही है, तो अगर आप तहजीब बेकर्स आते हो तो बिल्कुल उसके साथ ही आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और ना भी हो तो मैप तो है ही। तो चलिए अब रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। ये इनका बाहर का एरिया है, और पार्किंग भी बहुत आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने ही जो है आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इनकी एंट्रेंस, और इनका जो बफे है ये इनके फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, और अभी हम ऊपर जाएंगे। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, और इन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व किया है, मिंट मार्गरेटा इन्होंने सर्व किया था, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हॉट एंड सॉर सूप से हमने शुरू किया है, लेकिन मज़ीद डिटेल से पहले आपकी मुलाकात कराते हैं इनके शेफ से। अस्सलाम वालेकुम, चिलमन रेस्टोरेंट का शेफ बोल रहा हूँ, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम टेस्ट पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ आईटी में बारबेक्यू है, उसमें पाकिस्तानी डिशेज हैं, इटालियन हैं, उसमें चाइनीज़ हैं, और हमारी जो स्पेशलिटी स्वीट में है, हम कुल्फी है, होम मेड कुल्फी बनाते हैं, बहुत डिलीशियस है। और ऑल ओवर हमारा जो भी मटेरियल है, ये हमारा अपना है, हमारे फॉर्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट भी ठीक है, कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और आप तशरीफ़ लाएं और इन्जॉय करें हमारे। और ये रहा इनका सैलड बार, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इनके शेफ़ जो हैं वो ख़ुद ओवरऑल राउंड लेके देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है, और साथ साथ वो कस्टमर से फीडबैक भी ले रहे थे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ मुझे लगी इनके रेस्टोरेंट पर। और चलिए यहाँ पर देखिए, इनका लाइव स्टेशन लगा हुआ है, जिसमें आपको जो फ्राइड आइटम्स हैं वो बिल्कुल गरम गरम ज़बरदस्त से मिल रहे हैं। फ्राइड आइटम्स में इनके रोल्स थे, कटलेट्स बन रहे थे, और इसके अलावा जो ज़बरदस्त चीज़ थी वो थी इनकी फ़िश। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की जो फ़िश है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये रहा इनका सूप कॉर्नर, और सूप में इनके पास हॉट एंड सार सूप था, और सूप का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इनके मेन्यू पर, और यहाँ पर अब देखिए, इनके चिकन कबाब थे, बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनकी चिकन मलाई बोटी जो है ये भी काफ़ी टेंडर एंड जूसी थी, और यहाँ पर इनका है जी बिरयानी थी, इसका टेस्ट भी अच्छा था, ये भी मैंने टेस्ट की थी, और पालक गोश्त बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, चने थे लाहौरी, ये मैंने ट्राई नहीं किए लेकिन देखने में अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा नान था इनके मेन्यू में, और आगे चलें तो यहाँ पर कोफ्ता था, कोफ्ता का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, और तहजीब का पिज़्ज़ा तो आप सबको पता ही है, और मेरे बच्चे भी इस चीज़ में बहुत खुश हो गए। और यहाँ पर बर्गर्स थे, लेकिन बर्गर्स हमने ट्राई नहीं किए, पर पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था। और आगे चलिए तो यहाँ पर इनका चाइनीज़ क्विज़ीन शुरू हो जाता है, जिसमें चाइनीज़ राइस थे, इसके अलावा चिकन मंचूरियन था। मंचूरियन का टेस्ट मुझे थोड़ा एवरेज लगा, लेकिन जो ड्राई चिली चिकन था वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। इसके अलावा इनके जो ये चाउमीन है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अब आप लोगों के इनके डिज़र्ट बार की तरफ भी लेके जाते हैं, लेकिन चलिए थोड़ी सी नज़र ज़रा हस्बैंड की प्लेट पे भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या ले रहे हैं, उन्होंने क्या अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड को जो है इनका पाकिस्तानी क्विज़ीन जो है वो ज़्यादा पसंद आया बनिस्बत चाइनीज़, और फ़िश जो है वो हम दोनों को ही बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अब वक्त है कि मैं आप लोगों के साथ इनका रेट शेयर करूं। तो जिनका रेट है वो है 1750 प्लस टैक्स पर हेड, और इसके अंदर जो है चाय भी इंक्लूडेड है। आप चाहे तो चाय ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, लेकिन ये आप ऑर्डर पे आपको अवेलेबल होती हैं। चाय इनका अलहदा से बना हुआ है स्टेशन, लेकिन लस्सी जो है अगर आप चाहें तो ये आपको ऑर्डर पे इसके साथ ही इसी आपके प्राइस में कवर है, वो भी साथ इंक्लूडेड है। चलिए फ्रेंड्स, खाना तो हो गया, अब देखते हैं मीठे में क्या है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी स्पेशलिटी इनका पाकिस्तानी क्विजीन है, तो मीठे में हमें नज़र आया सूजी का हलवा, और ये सामने लौकी का हलवा है इस वक्त। इसके अलावा मीठे में ज़र्दा अवेलेबल था। कुल्फ़ी इन्होंने हमें टेबल पर ही सर्व की थी, और अब वक्त हुआ है चाय पीने का। तो जी चाय पीते हैं, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा मेन्यू जो है वो है 1750, और मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि एक विज़िट ज़रूर करें, ताकि उनको वो अपना इनपुट खुद आके दे देंगे। एक दफ़ा विज़िट करें फिर खुद उनको पता चलेगा कि 1750 में इतनी एटमें कोई भी नहीं दे रहा IT में जितना चिलमन दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब वक्त है घर जाने का, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे किसी और जगह का रिव्यू शेयर करूं, तो प्लीज़ अपनी रिकमेंडेशंस मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।